मेरे भाई आया था मुझे लेने, साला कमीना बहुत लेट कर दिया। फिर मैंने उसके स्कूटी में बैठा और उसके घर सीधा। बहुत लेट हो गया था घर, बस तो पहुँचते पहुँचते 3 बज चुके थे रात के। घर गए, खा लिया और सो लिया। फिर उठा सुबह 9 बजे के आसपास और अभी मैं हूँ बेंगलोर पैलेस में। हाँ, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, 9 बजे उठा, रेडी हुआ। मेरा भाई जो है वो निकल गया अपने ऑफिस के लिए, आज उसको ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है इसीलिए। और मैं और मेरे सिस्टर निकल गए घूमने के लिए बेंगलोर। ये दोनों तो बेंगलोर में रहते हैं और मैं तो पहली बार आया हूँ, तो मुझे देखना है बेंगलोर। अभी मैं हूँ बेंगलोर पैलेस के आसपास। तो आज का सफर ये है, ये शांतनु का स्कूटी और यही लेके हम लोग पूरा बेंगलोर घूमने वाले हैं। बेंगलोर पैलेस और इस साइड में है इसका एंट्री गेट, यहाँ पे हमने स्कूटी रखा है। ये सामने वाला स्कूटी हमारा है और यहीं से एंट्री करना पड़ता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि टिकट का प्राइस क्या है। अभी तो बेंगलोर पैलेस एक्सप्लोर करना हो गया, 240 रुपीस पर पर्सन का कॉस्ट आया। मैं और मेरे सिस्टर आए थे इधर, अंदर देखने के लिए है लेकिन उतना कुछ नहीं है जिसके लिए आप 240 रुपीस पे करो। अगर आप बेंगलोर आते हो, वन टाइम आते हो तो आना चाहिए एक बार, लेकिन 240 रुपीस बहुत ज़्यादा हो गया। हमारा तो 15-20 मिनट में पूरा कंप्लीट करके बाहर इस गार्डन में बैठा हुआ हूँ। पैलेस अच्छा है, अंदर से बहुत सारे पुराने चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत सारे हैंडमेड चीज़ें देखेंगे। और अंदर से टोटली वो लकड़ी का बना हुआ है, सीढ़ी भी लकड़ी का है, फ्लोर भी लकड़ी का है। बहुत अच्छा, दिखने में अच्छा है लेकिन 240 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है। ये 100 के नीचे अगर प्राइस होता तो सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 240 रुपीज़ से टिकट लेना है, उसका बाद आपको अगर वीडियो करना है अंदर, मोबाइल से भी अगर करते हो तो 300 रुपीज़ उसका चार्ज है, तो बहुत ज़्यादा है। मैंने तो नहीं लिया इसलिए मैं अंदर का वीडियो कर नहीं पाया। उसके बाद फिर आप पर्टिकुलर जगह के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए ऑडियो होता है, जिसके लिए आपको 30 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अलग से। मतलब सब अलग अलग प्राइजेस है, बहुत ज़्यादा है। मैंने ऑडियो नहीं लिया, हम दोनों ने भाई बहन ने मिलकर एकदम टोटल घूम लिया, अंदर देख के मज़ा ले लिया, सुनने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, गाइडेंस की ज़रूरत है, जिसे जानना है इसके बारे में वो ज़रूर ले, हमें तो सिर्फ देखना था, एक्सप्लोर करना था, हमने देख लिया। पैलेस अच्छा है और टाइम अभी हो रहा है 11:05 के आसपास, अभी निकलेंगे दूसरी जगह, पता नहीं कहाँ जाएंगे, ये तो सब अनप्लान्ड प्रोग्राम होगा। ये गार्डन से बेंगलोर पैलेस का नज़ारा, सामने से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सामने का इसका गार्डन, जब आप टिकट लेते हो तो ऐसे टाइप का एक बैज मिलेगा, ऐसे हाथ में पहनना है और पहनने के बाद आप अंदर जा सकते हो। बेंगलोर फोर्ट की एंट्रेंस, अभी ताला लगा हुआ है उधर। थैंक यू। तो अभी मैं हूँ बेंगलोर फोर्ट में और मेरी बहन ने बहुत अच्छा एक जुगाड़ लगाया, वो मैं अभी बताता हूँ। हम स्कूटी लेके घूम रहे हैं तो स्कूटी कहाँ पे पार्क करें, यहाँ पे पार्किंग नहीं है। तो नियरली मतलब इसके साथ ही बेंगलोर फोर्ट के साथ एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में स्कूटी पार्क करके आ गए हम लोग। बहुत बढ़िया आइडिया था, इसका पार्किंग चार्जेस भी नहीं लगेगा, स्कूटी सेफ भी रहेगा, कोई टो कर भी करके भी नहीं लेके जा सकता। तो मैं हूँ इनसाइड बेंगलोर फोर्ट, ये हमारा सेकेंड प्लेस है आज का। और रास्ते पे आते आते हम लोग एक पार्क के अंदर से होते हुए आए, या कौन सा पार्क था, कुबन पार्क, CUBAN, ओके CUBBO, कुबन पार्क। और रास्ते में आते आते हम लोग विधानसभा भी देखे, और बेंगलोर का विधानसभा बहुत बड़ा है, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत धूप है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, चश्मा पहन लेता हूँ।
बाकी ये फोर्ट का अंदर का नज़ारा है, शांति है, ज़्यादा कुछ मतलब इंटरेस्टिंग वाला नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने का ये फोर्ट है। उसी इस जगह से हम लोग एंट्री किए और यहीं पे घूम रहे, घूमते घूमते इधर आए। घर के बाद ये अंदर आने पर हमें ये जेल की तरह दिख रहा है कुछ, शायद यहाँ पे कैदी को रखा जाता था। और ये एक बड़ा सा दरवाज़ा, शायद ये फोर्ट का मेन दरवाज़ा होएगा उस टाइम पे। बाहर तो कुछ देख नहीं पाऊँगा मैं, नहीं बाहर कुछ है नहीं, सच यही है। बस मेरे पीछे ये दीवार के पीछे इतना शोर शराबा है, शहर का इतना गाड़ी वाड़ी इतना चल रहा है, लेकिन अंदर बहुत शांति है। बाहर बहुत धूप है, अभी कितना टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है, अभी 1 बज रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है, बेंगलोर बहुत गर्मी वाला शहर है। बस यही तक है, और ये वाला भी दीवार है, यहाँ पे इतना ऊंचे ऊंचे दीवार, पुराने ज़माने में शायद वही ऊपर पे बैठ के बाहर नज़र रखा जाता था, और अंदर ऐसा ही है कुछ, फोर्ट जैसा होता है वैसा ही है। इधर घूमने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगा, और अभी हम निकल रहे हैं ये निकले फोर्ट से, गाड़ी लेंगे और जाएंगे अलसुल लेक की तरफ। अलसुल लेक यहाँ से करीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर पड़ रहा है, तो वहाँ पर देखते हैं कैसा जगह है, और नहीं तो वहाँ से घर वापस जाएंगे, तो अलसुल लेक में मिलते हैं। तो अभी अलसर पार्क में आए थे हम लोग, लेकिन अलसर पार्क भी बंद है शाम के 4 बजे के बाद, यहीं पर खड़े हुए थे। यहाँ पे एक बोटिंग करने का जगह है, यहीं पे खड़े हुए ठीक पार्क के बाहर ही, इधर ही पार्क का मेन गेट है, और सामने कुछ दुकान वकान बना हुआ है। बस मतलब बेंगलोर सारा दिन में घूमना थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादातर पार्क बंद है, 4 बजे के बाद खुलेगा। जहाँ पर मैं आया हूँ वो भी, ये बेंगलोर पैलेस से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर है, और ये सबसे बड़ा लेक है बेंगलोर, ये भी बंद है। तो अभी क्या करें, अभी घर जाएंगे नहाएंगे, उसके बाद शाम को निकलेंगे, अभी करने का कुछ है नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक पार्क का बाहर का नज़ारा, इसके बाद हम घर चलेंगे सीधा। बहुत भूख लग रही है, सुबह को निकल गए थे हम लोग, कुछ खाया नहीं, बाहर आए तो 2 आइसक्रीम का, 1 कोल्ड ड्रिंक्स का, बस वही। अभी चलते हैं घर, उसके वगैरह कुछ काम है ही नहीं। सो ये लेक एरिया, और यहाँ पे वही रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे है वो पार्क, ये वाला एंट्री गेट है, लेकिन 4 बजे से पहले आप जा नहीं पाओगे, 12 बजे बंद हो चुका है, अभी 2:30 बज रहा है। हमारा गाड़ी वहाँ सामने पार्क किया हुआ है, और यही मेन गेट है। ये है मेन सड़क, मेरे लेफ्ट साइड में यही वाला पार्क है। अगर आप कर्नाटक में हो तो ज़रूर से मास्क पहनो, क्योंकि विदाउट मास्क फाइन लग सकता है 200 रुपये के आसपास, और बिना मास्क के घूमना भी अलाउड नहीं है अभी, क्योंकि कोरोना का जो सेकेंड वेव है बहुत ज़्यादा के हिसाब से बढ़ रहा है अभी, इसलिए मास्क पहने रहना चाहिए। तो फिर और क्या, आगे चलते हैं घर उसके बाद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्रॉम माई ब्रदर संतनुज हाउस। अभी इवनिंग के बज रहे 6, हम लोग है घर पे ही, निकल नहीं पाए क्योंकि 8 बजे का ट्रेन है, और घर पे जब आए थे तब बज रहे थे दोपहर के 3, तो 3:30 बजे आ चुके थे, और रात के 8 बजे का ट्रेन है, इसका मतलब हमें खाना भी बनाना है, और बहुत कुछ काम भी था, अपना सामान को भी पैक करना था, इसीलिए मैंने शिफ्ट भी कर लिया। दोपहर 3:30 बजे के आसपास हम लोग घर पे वापस आए थे, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहा लेते हैं, उसके बाद शाम को जाएंगे व्यू पॉइंट को देखने के लिए, लेकिन हमें अपना पैकिंग भी करना था और खाना भी बनाना था। नहा के ये शेव वेव करके फिर खाना बनाना, फिर पैकिंग करना, ये सब करते करते हमारा टाइम निकल गया,
अभी 6 बजे है लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, खाना अभी भी बन रहा है, तो इसको पैक करेंगे फिर निकलेंगे। 2 घंटे में ट्रेन है, पता नहीं कैसे क्या होगा। ये वाला बेंगलोर जो ट्रिप था, बेंगलोर का ट्रिप तो कुछ प्लान नहीं था, मतलब बेंगलोर का घूमने का ही प्लान नहीं था, फिर भी हमने कुछ कुछ जगह देख लिया। अभी हम ट्रेन से जा रहे हैं एक दूसरी जगह, और ये मेरे लाइफ में बहुत एक्साइटेड वाला जगह है। बहुत पहले से ये प्रोग्राम किया हुआ था, किसी और लोगों के साथ प्रोग्राम किया हुआ था, लेकिन आज हो रहा है मेरे भाई और मेरे बहन के साथ। तो ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं है, वीडियो भी थोड़ा अजीब अजीब बन रहा है, लेकिन जैसा बन रहा है पहले मैं तो वही सीख रहा हूँ, इसलिए ऐसा ही बन रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में एक नई एक्साइटिंग वाली जगह होगी, और शायद से आपको कुछ अच्छे अच्छे जगह का वीडियो में दिखा पाऊँ। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में।